हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज की कहानी है हमारी आदमखोर सपना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमारी शुरू होती है पांच दोस्तों से। जो पांच दोस्त होते हैं वो जाते हैं बर्फीली वादियों में घूमने के लिए। घूमने का प्लान बनता है और वो पहुंच जाते हैं। वहाँ जाते हैं 5-7 दिन तो उनको घूमते इंजॉय करते बहुत मज़ा आता है। पाँचों आपस में बातचीत करते हैं, भाई यहाँ रुके, यहाँ भी अच्छा लगा। रिया कहती है, मुझे तो जो टेंट के अंदर हम लोगों ने बर्फीली गुफाएं बनाई और वहाँ पे रहे वो बहुत बहुत मज़ेदार था। तो प्रिया भी कहती, हाँ भाई बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने टेंट के अंदर अच्छे अच्छे खाने से और ये सब चीज़ें इंजॉय करी, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से जब उनको 5-7 दिन हो जाते हैं घूमते घूमते, वो अचानक रास्ता भटक जाते हैं। जब वो रास्ता भटक जाते हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, कहीं किसी को रास्ता नहीं मिले, इस तरह से घूमते घूमते उनको लगभग 15 दिन वहाँ बीत जाते हैं। कोई इस पहाड़ पर चढ़ रहा कोई उस पहाड़ पर चढ़ रहा, वो लोग किसी जंगल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ भी बर्फ़ ही बर्फ़, कुछ उनको मिलता नहीं है, कोई साधन नहीं है। उनके साथ जितना वो सामान लेकर के आते हैं सब कुछ ख़त्म। किसी ने रस्सी पकड़ रखी, किसी ने टेंट का सामान पकड़ रखा, तो किसी ने कुछ पकड़ रखा। अभी बर्फ़ है तो पानी की तो कोई समस्या नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी और भी उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही। कहीं भी उनको रास्ता ढूंढने से नहीं मिल रहा। तब पाँचों डिसाइड करते हैं, भाई मेरे ऐसा करते हैं, उसमें से एक जो दोस्त होता है उनका जान नाम का, वो बहुत ही शातिर होता है, वो उसको उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो कह रहा है, भाई तुम रिया तुम सबसे पीछे चलो और प्रिया तुम थोड़ा उधर साइड में चलो ऊंची पे, ताकि दिखाई पड़ो सबको, और इधर तुम इब्राहिम तुम इधर चलो और सुब तुम इधर चलो। इस तरह से सब बट जाते हैं आपस में। और जो जान होता है वो उसकी निगाह सब पे रहती है, उसकी निगाह सब पे रहती है। जान के पास कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं नुकीली टाइप की, उसने जैसे कीले उले ठोकने का हथौड़ी है और चाकू है रस्सी काटने का, और चीज़ें भी उसके पास थी। बाकी रस्सी वगैरह जो है रिया के पास थी, टेंट का सामान रिया के पास था, सुब के पास भी कुछ एक सामान था, उसने कनस्तरों सर पकड़ रखे थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, खत्म हो चुका था सामान। और जो इब्राहिम था वो भी साइड में साथ साथ, वो भी कुछ सामान पकड़े चल रहा था। धीरे धीरे सब एक दूसरे को दिखना बंद हो जाते हैं, हो जाते हैं 15 दिन और एक्स्ट्रा। अब क्या करें, भूख के मारे बेहाल, सभी इतना बेहाल हैं, सभी इतना बेहाल हैं कि भूख बर्दाश्त के बाहर हो रही है। कुछ भी उनको खाने को वहाँ मिल ही नहीं रहा है, ना ही कुछ इधर दिख रहा है, सब सब बर्फ ही बर्फ, सब तरफ बर्फ। वो अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और जो वो जान था, वो उसको भूख जो है इतनी बर्दाश्त के बाहर हो रही, इतनी ज़्यादा भूख लग रही, उसने सोचा क्यों ना अपने में से ही दोस्तों में से किसी एक को मार के खा जाऊं, बस वो इतना ही सोच रहा था। उसके दिमाग में इतना मतलब वो आ गया सबके प्रति कि अब ये सोचिए कि कहानी में खौफनाक मंजर शुरू होने वाला है, इतना खौफनाक कि आप सोच नहीं सकते हैं। धीरे धीरे आगे चलते चलते जान जो है उसकी नज़र प्रिया पे है, पीछे प्रिया चल रही है सबसे। वो उसके करीब पहुंचता है पीछे से, क्योंकि सभी तो आसपास हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, दूरी पे कुछ कुछ। और ये धीरे धीरे कदमों से चलते हुए जाता है जाता है, और पीछे से पकड़ के रिया के बालों को मार देता है चाकू, खचाक। और पहना चाकू होता उससे उसकी गर्दन नहीं, खचाक उड़ा देता है, बाल पकड़ के उड़ा देता है। उसके बाद में उसके टुकड़े करता है वहीं पे, कैसे उस पर छिड़क के कुछ भी वैस टाइप का जो उसके पास जलाने का कुछ था, लकड़ियाँ आसपास से लेकर के उसको वहीं बर्फ के साइड में रख करके उसको जला देता है। जलाने के बाद उसके भुने हुए टुकड़े सब खा जाता है, वो एक आदमखोर बन चुका है समझ लीजिए। वो खा करके उसके निशान मिटा देता, बर्फ से ढक देता, जो भी जला हुआ सब होता है ढक देता है। फिर वो आराम से डकारे लेता हुआ चलता है। वो उसके साथ ही उधर से आवाज़ दे रहे हैं, जान भाई तुम किधर हो? जान भाई, जान कह रहा है, अरे आप लोग चलो, मैं आराम से आ रहा हूँ, रास्ता खोज रहा हूँ भाई, चिंता मत करो, मैं ट्रेक कर रहा हूँ किधर से निकलना है। जब उसकी आवाज़ सुन लेते हैं तो वो समझ लेते हैं कि रिया तो पीछे थी ही इसके साथ में, थोड़ा उसके आगे प्रिया चल रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही थी किसी को, नहीं तो इसका करते करके कोई भी देख लेता। इस तरह से वो उसको मार के जब खा लेता है, अब आगे चलता है। फिर बीतते हैं 2 दिन, जब 2-3 दिन और हो जाते हैं उसकी भूख फिर बढ़ती है। उधर वो लोग भूखे हैं लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, देखिए। और ये इधर उसको मार के खा के फिर आगे चल रहा है। जब 2 दिन और बीत जाते हैं, 3 दिन, तब इसकी भूख फिर बर्दाश्त के बाहर। इसने क्या किया, रिया को भी मारा। इधर प्रिया को मार चुका था, रिया को भी जब मारा और उसी तरीके से भून करके उसको भी खा गया। जब खा गया और फिर इसने डकारे लेनी शुरू करी और आराम से फिर से कपड़े उपड़े साफ किए, चाकू को अंदर रखा, फिर चल दिया, फिर चल दिया। ये पूरी तरीके से बीभत्स हो चुका था, इतना इसकी आंखों से एकदम इंसानियत गायब।
जब इसने मार के अपने ही दोस्तों को खाना शुरू कर दिया, तो अब कर दिया है तो इंसानियत तो है ही नहीं, वो तो आदमखोर बन चुका है। फिर वो आगे बढ़ता, फिर दो दिन बीतते हैं, फिर वो इस तरह से करके अपने वो दोनों दोस्तों को भी मार के खा जाता है। अब एक बचता है, एक बचता है शुभ। जब शुभ बचता, जब उसकी बारी आती है, वो उसके करीब जब पहुंचता, कहता भाई जगह मतलब कोई दिखी ऐसी जहां से हम लोग वापस जा सकें, तो वो कहता नहीं मुझे कोई नहीं दिखी जगह। जब उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है शुभ, तो कहता है जान भाई कि तुम्हारे ये कपड़ों में खून कैसा लगा है। तो कहता कहाँ कहाँ, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं, इस तरह से कहता है। लेकिन उसकी शक्ल बड़ी अजीब सी उसको दिख रही होती, उसको कहीं इधर साइड में खून लगा हुआ दिखता है। जब खून, कहता भाई वो अपने दोस्त इतने दिन हो गए हमको नहीं दिख रहा, अभी परसों तो ये दिख रहा था हमको इब्राहिम, अभी वो भी नहीं दिख रहा है। क्या तुम किसके चक्कर में पड़े हो, सभी जब दूर दूर चल रहे हैं, जिसको रास्ता मिल जाएगी वो आवाज़ लगा देगा और हम लोग चल देंगे। तो कहता अच्छा ठीक, वो बात मान लेता, लेकिन उसको शक पड़ जाती है। अब ये दो, जब दो तीन दिन और हो जाते हैं चलते 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 चलते, तो इतना ये परेशान कि अब भूख बर्दाश्त के बाहर उसने चाकू निकाला। फिर वो उसको पीछे पड़ता है कि चाकू क्यों निकाला है। फिर उसको ऐसा तो नहीं तुम सबको मार डाले हो, उसको शक हो जाता। जैसे ही वो कहता अच्छा तुमने मार डाला है, ये वर्ड जैसे ही बोला उसको एकदम से गुस्सा आ जाती कि हाँ 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 मैंने ही मारा है, मैंने ही उनको भून के खा डाला है, मेरे तो भूख बर्दाश्त के बाहर हो रही थी इसलिए मैंने सबको मार डाला है और भून के खा गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। अब जैसे ही वो इतना सुनता है तो वो ऐसे हाथ करता है कि वो चाकू छीनने चलता है। जैसे वो चाकू छीनने चलता है, वो चाकू इतनी तेजी से मारता है कि उसका हाथ कट के इतनी दूर गिरता है जाकर के। वो बहुत तेज से चिल्ला पड़ता है कि तुमने मार डाला, तुमने इंसानियत से हाथ धो दिया, कैसे तुम हो, तुम ईश्वर से कुछ डरो, तुम एक आदमखोर बन चुके हो, इतना वो करके दौड़ने लगता है। लेकिन वो दौड़ नहीं पाता, वो पीछे से इतनी तेजी से भाग के उसको चाकू मार देता, चाकू मार देता है और उसको उसके अंदर इतना ज़्यादा पता नहीं कैसा लावा सा उबल रहा था, वो उसको फाड़ के ऐसे कच्चा खाने लगता, कच्चा खाने लगता। इधर वो जैसे उसको फाड़ता, उसके जो आवाज़ रहती है सुबह की, वो चिल्लाता रहता जान मुझे छोड़ो, जान मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और इधर हॉस्टल में बेड पे रोहित जो लेटा होता वो चिल्ला रहा था, उसका दोस्त जो है उसको झिंझोड़ रहा, अबे क्या कह रहा है, जॉन मुझे छोड़ दे, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो वो देखता है, उठ के बैठ जाता आंखें मलते हुए। जो रोहित होता कहता अम्मा भाई, अम्मा मामा भाई, ये क्या था, ये क्या था, कि तुम क्यों चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे इतने देर से, पूरा कमरा तुमने गुंजा के रखा हुआ है कि मुझे बचाओ, जान मुझे छोड़ दो, जान मुझे छोड़ दो, ये जान कौन है। तो वो जो है उसके मुंह पे छींटे मारता, थोड़ा उसको होश आता, तो कहता यार मैं बहुत बहुत ज़बरदस्त अपना देख रहा था, मैं आजकल इंग्लिश नॉवेल एक पढ़ रहा हूँ, द एनिमल करके, कैनिमल एनिमल, वो उसमें जो है इस टाइप की स्टोरी लिखी है। तो कहता तू पागल हो जाएगा, इस तरह की स्टोरी मत पढ़ा कर, ये सब नॉवेल वाले के चक्कर छोड़ दो, यहाँ पढ़ने आया है कि स्टोरी सुन रहा है या पढ़ रहा है, ये कुछ मत। उसको किताब को उठा करके वो अंदर रख देता, कहता तू आज से ये स्टोरी नहीं पढ़ेगा, तो मुझे परेशान करता रहता। जब वो कहता नहीं नहीं मैंने ये घटनाएं देती द एनिमल में यही होता है, ना अब तू ना ही ये नावल पढ़ेगा ना ही घटनाओं का जिक्र करेगा, मेरे को तो डराया मत कर। और इस तरह से वो अपने दोस्त के साथ में फिर उठ करके चला जाता है, बाहर फ्रेश होकर के आता है और वो बुरा सपना समझ करके बोल जाता है। वो इतना दहशत में आ जाता है दो तीन दिन तक कि उसको जो है उसको रिलैक्स होने में लगता है। फिर वो अच्छे से पढ़ाई करने लगता है अपने दोस्त के साथ, बढ़िया अच्छा से कैंपस में जाता है, क्लास वहाँ पे सबके साथ मिलता है और फिर क्लास भी अटेंड करता, पढ़ाई करता, अच्छे से रहने लगता है। वो इस तरह से किताबें पढ़ना छोड़ देता है, तब जा करके उसके मन से डर निकलता, वो सब अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई करने लगते हैं और अब उसको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लगती हैं जिससे उसको दहशत हो। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।